नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। जहां फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल पूरे हो चुके हैं, वहीं मनोज कुमार ने इस इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 60 साल दिए हैं। बॉलीवुड में सालों साल बिताए हुए मनोज कुमार ने इस इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन आज हम मनोज कुमार नहीं बल्कि उनके बेटे कुणाल गोस्वामी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये आज कहाँ और किस हाल में है, अचानक कहाँ गायब हो गए। मनोज कुमार ने बॉलीवुड में रहकर खूब शोहरत हासिल की, इसलिए उनके बेटे कुणाल कुमार गोस्वामी ने भी फिल्मों में आने का फैसला लिया। कुणाल गोस्वामी को एक्टिंग विरासत में मिली थी, बचपन से ही वो अपने पिता को एक्टिंग करते हुए देख रहे थे। यही सोचकर मनोज कुमार ने कुणाल को एक्टर बनाने का सोचा। मनोज कुमार को लगा था कि वो भी उनकी तरह ही स्टार बनेगा और बॉलीवुड में उनका नाम रोशन करेगा। शायद इसी सोच के साथ मनोज कुमार ने कुणाल को बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में ढालना शुरू कर दिया। अपनी निर्देशित फिल्म क्रांति में मनोज कुमार ने कुणाल को भी लिया। इस फिल्म में कुणाल ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया। स्क्रीन पर कुणाल गोस्वामी का ये पहला एक्सपीरियंस था। इसके बाद कुणाल गोस्वामी ने और भी कई फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स किसी को भी रास नहीं आई। फिल्मों के नाम पर लोगों को सिर्फ कुणाल गोस्वामी की कलाकार ही याद है। इसमें वो श्रीदेवी के साथ नजर आए। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इसके गाने नीले नीले अंबर पर ने खूब धमाल मचाया। ये गाना श्रीदेवी और कुणाल गोस्वामी पर फिल्माया गया था। कुणाल का लुक तो अपने पिता जैसा ही था, लेकिन एक्टिंग के हुनर में वो काफी पीछे रह गए। शायद इसलिए कुणाल को खुद फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित नहीं कर पाए और गुमनाम हो गए। फिल्म में ना चल पाने का दुख कुणाल को इस कदर खा गया कि उन्होंने एक्टिंग और फिल्म छोड़कर कैटरिंग का बिजनेस खोल दिया और उसी में रम गए। एक तरफ जहां कुणाल अपने फ्लॉप करियर को लेकर निराश थे, तो वहीं मनोज कुमार उन्हें फिल्मों में पहचान दिलाने की कोशिश में लगे हुए थे। जब बाकी लोगों ने कुणाल को फिल्म देनी बंद की, तो मनोज कुमार ने फिर से कुणाल को रिलॉन्च करने की सोची और 1999 में जय हिंद बनाई। इस फिल्म का हश्र भी काफी बुरा हुआ। फिल्म में ऋषि कपूर और शिल्पा शिरोडकर जैसे स्टार भी थे, लेकिन वो भी कुणाल की इस फिल्म की नैया पार नहीं लगा सके। वहीं दूसरी ओर मनोज कुमार का प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया और कुणाल गोस्वामी का फिल्मी करियर भी। अब कुणाल फिल्मों से दूर कैटरिंग का बिजनेस संभाल रहे हैं और ये आज 61 साल के हो चुके हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आखिर आज ये कितने बदल गए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।